product passes through three distinct processes to completion. 10,000 units were introduced at value of 50,000. In process, following expenses were incurred. Process से related सारी information given है. Prepare process account showing the cost of output and the cost per unit. आपको process account बनाना है जिसमें आपको क्या show करना है, cost of output and cost per unit at each stages of the manufacture along with normal wastage account, abnormal wastage account and abnormal effective account. Now we will solve the question. देखिए first of all हम process account बनाएंगे. Find process आपको तीन given है, process X, Y and Z. सबसे related आपको expenses given है और ऊपर आपको information given है कि 10,000 units introduce की गई है, कितनी worth पे, 50,000 worth पे. तो फर्स्ट आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस एक्स अकाउंट में, जो कि हमारी फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें हमने यूनिट्स का इंडिविजुअल बना दिया. दैट इज 10,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस की है, कितने पर, 50,000 रुपये पे. फाइन. नाउ आपको अलग अलग एक्सपेंसेस गिवन है, मशीन एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,000. आपने इंडिविजुअली एक्स से रिलेटेड लिख दिए हैं. नाउ अब आपको गिवन है नॉर्मल वेस्टेज. नॉर्मल वेस्टेज क्या है, 5% है. तो 5% दैट मीन्स 10,000 का 5%. ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 500 यूनिट्स. फाइन. नाउ अब आपको बोला गया है कि स्क्रैप यूनिट से जो सेल हुई है वो कितनी है, 1 रुपीज है प्रोसेस एक्स में. तो अब आपका स्क्रैप कितना है, जो नॉर्मल वेस्टेज है वही आपका स्क्रैप बचा हुआ है, उसी स्क्रैप को आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 1 रुपए में सेल कर रहे हो. 500 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या हो गया, इसका स्क्रैप वैल्यू 500. फाइन, इतना क्लियर है. नाउ अब आपको क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट्स गिवन है यूनिट में. प्रोसेस एक्स का एक्चुअल आउटपुट आपको गिवन है 9,000 यूनिट्स. फाइन. तो यहाँ जो प्रोसेस वाई में जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें ट्रांसफर में हम लिख देंगे 9,000 यूनिट्स, क्योंकि ये इसका आउटपुट है. फाइन. नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड यूनिट. ये हमारी गुड यूनिट है. नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस. तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस क्या है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस इसका टोटल है. इसका टोटल कितना आ रहा है, 86,000 जो लिख दिया आपने, माइनस नॉर्मल वेस्टेज. नॉर्मल वेस्टेज से स्क्रैप वैल्यू से कितना आ रहा है, 500 रुपीज माइनस 500 रुपीज. तो ये क्या हो गया, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस है. आप कुछ भी करें आपको ये वेस्टेज बियर करना ही पड़ेगा. फाइन. तो 86,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस. दैट मीन्स आपने इतनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की थी और ये तो आपका नॉर्मल वेस्टेज है 500 यूनिट्स का. तो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कितना हो गया, 9,500. तो वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 9 रुपीज़ पर यूनिट. ये आपकी अच्छी यूनिट की कॉस्ट आ गई जो आपका आउटपुट प्रिपेयर हुआ है. आउटपुट हमें क्वेश्चन में 9,000 यूनिट्स गिवन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे क्योंकि ये आई है वैल्यू 9. तो वैल्यू कितना आ गया आपका, 81,000. फाइन. अब बचा आपका ये. अब जब आप इसको टोटल करके बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपका कितना आ रहा है, देखिए 10,000 यूनिट्स यहाँ पे है, यहाँ 9,000 है और यहाँ 500 है. तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गया, 500. ये आपका क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज. ने बैलेंसिंग फिगर में एबनॉर्मल वेस्टेज फाइंड आउट कर लिया है, इसकी यूनिट्स आ गई है. अब आपको इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे. दैट इज कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इक्वल्स टू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट आपकी 9 आई है और आपकी यूनिट्स थी 500, तो वैल्यू आ गई आपकी 4,500. क्लियर. ये अकाउंट बन चुका है. ऐसे ही हम प्रोसेस वाई का प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस वाई अकाउंट। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम इसमें फिल कर देंगे। फाइन, प्रोसेस एक्स से क्या आया है हमारे पास, 9,000 यूनिट्स आई है, कितने रुपीस की, 81,000 की। फाइन, अब प्रोसेस वाई से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें लिख दिए हमने, क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल गिवन है, मशीन एक्सपेंसेस, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फाइन, नाउ नॉर्मल वेस्टेज, तो नॉर्मल वेस्टेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है 10%, तो 9,000 का 10% कितना हो जाएगा, 900। फाइन, अब इसमें आपको गिवन है स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, वो है 2 रुपीज़, इसको आपने सेल किया तो इसमें एक यूनिट पे सेल करने पे हमें 2 रुपये मिलते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वैल्यू आ गई आपकी 1800। फाइन, अब आपको आउटपुट गिवन है इसमें 8000 यूनिट्स, तो बाय प्रोसेस जेड अकाउंट में ट्रांसफर कितना हो जाएगा आपका, 8000 यूनिट्स। इसकी हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है जैसे हमने पीछे निकाली थी। फाइन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन इन द प्रोसेस। फाइन, तो नॉर्मल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, 1,31,400 माइनस इसमें हमने नॉर्मल वेस्टेज से जो मिला है हमें 1,800 रुपये, उसको लेस करना है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। नॉर्मल प्रोडक्शन कैसे आएगा, 9,000 हमारी यूनिट्स है, उसमें से हमने नॉर्मल वेस्टेज को लेस करना है, तो कितना आ गया हमारा 8100 यूनिट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 16 रुपीज़ पर यूनिट। फाइन, तो यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, वैल्यू आ गई आपकी 1,28,000, यहाँ आ रही है आपकी 8,000 यूनिट्स और ये है 900, डैट मीन्स 8,900 और इधर है 9,000, तो बैलेंसिंग फिगर में हमारी कितनी यूनिट्स आ रही है यहाँ पे 100, जो कि हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज है। अब इसको भी कैसे निकालोगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 16, वैल्यू आ गई आपकी 1600। तो ये प्रिपेयर हो गया हमारा प्रोसेस वाई अकाउंट। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोसेस जेड अकाउंट। प्रोसेस जेड अकाउंट, प्रोसेस वाई से आए हमारे 8,000 यूनिट्स, कितने की, 1,28,000 की, वही इससे रिलेटेड आपने ये तीनों लिख दिया है। फाइन, अब आइए नॉर्मल वेस्टेज पे, नॉर्मल वेस्टेज इसमें गिवन है 5%, तो 8,000 का 5% कितना हो रहा है, 400 यूनिट्स। इसमें स्क्रैप वैल्यू कितनी हुई है, 2.5 रुपये दी हुई है, तो 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्थ आ गया आपका 1,000 रुपीज़। फाइन, अब आपको एक्चुअल आउटपुट गिवन है 7,700 यूनिट्स क्वेश्चन में, तो बाय फिनिश्ड स्टॉक में लिख दिया आपने 7,700 यूनिट्स। अगेन हम इसको कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, कैसे, इसका आप टोटल करेंगे क्योंकि यही है आपकी कॉस्ट, तो वैल्यू आ जाएगी 1,60,600 माइनस ये वैल्यू जो कि नॉर्मल की है। फाइन, डिवाइडेड बाय, अब आपके नॉर्मल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है, 8,000 माइनस 400, 7,600। इसको सॉल्व किया, वैल्यू क्या आ गई आपकी 21 रुपीज़। ठीक है, अब फिनिश्ड स्टॉक अपने कितने का गिवन है, क्वेश्चन में आपको आउटपुट गिवन है 7,700 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 21 से, वैल्यू आ गई आपकी 1,61,700। फाइन, तो अब इधर कितनी यूनिट्स है, ये तो है आपकी 400 यूनिट्स, इधर है 7700, तो आप टोटल करेंगे 8100 आ रहा है, और इधर देखेंगे तो ये है आपकी सिर्फ 8000। ठीक है, तो ये जो आपका 100 यूनिट्स है वो क्या हो गई, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। फाइन, जो आपको उसका प्रॉफिट हुआ है यूनिट्स का। अब बात आ रही है अमाउंट की, अमाउंट क्या चार्ज करना है, 21 रुपीज़ आ रही है, तो उस 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, डैट इज 2100। फाइन, ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, कि हमारी नॉर्मल वेस्टेज की फर्स्ट एंट्री क्या हुई है, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, ऐसे ही प्रोसेस वाई में हुई है और ऐसे ही प्रोसेस जेड में हुई है। तो अब हमारे नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में क्या जाएगा, टू प्रोसेस एक्स, टू प्रोसेस वाई, टू प्रोसेस जेड। अमाउंट क्या आएगा, ये देखिए 500, 500। फाइन, इसमें है 900, 1800, इसमें है 400, 1000। तो ये देखिए 500, 900, 400, 500, 1800, 1000। ये क्लियर है। नाउ अब आपने इसको सेल किया है, तो सेल करने पर अब आपको पैसे मिले हैं, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो बाय कैश में एंट्री हो गई। प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई दोनों में तो हमने सेम से कर दिया है। नाउ अब हमने देखा था कि हमें एबनॉर्मल इफेक्टिव्स हो रहे प्रोसेस सी में। फाइन, तो अब उसमें क्या होगा, प्रोसेस सी में जो एबनॉर्मल इफेक्टिव्स हो रहे हैं उसके कारण हमारे नॉर्मल वेस्टेज कम हो गए। तो ये क्या होगा, बाय कैश अकाउंट प्रोसेस जेड 300 यूनिट से। क्यों, क्योंकि हमारी ये देखिए ये एबनॉर्मल इफेक्टिव्स कितने से हो रही है, 100 यूनिट से हो रही है। बता दी 300 और ये हो गई हमारी 100 यूनिट्स। फाइन, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स की। अब जो एबनॉर्मल इफेक्टिव्स की यहाँ पे एंट्री होगी वो किससे होगी, सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू से, ठीक है। और ये भी हमारी किससे होगी, सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू से। इसमें हमारी 2.5 रुपये गिवन है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 750, ये आ गया 250। नाउ ये अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। इसकी एंट्री हमने कर दी पीछे की जो प्रोसेसेस में एंट्री गिवन थी उससे। फाइन, नाउ अब हम इसकी सेल कर रहे हैं, तो सेल के लिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि प्रोसेस एक्स में तो होता है 1 रुपीज़ से और प्रोसेस वाई में होता है 2 रुपीज़ से। तो अब जो सेल होगी यहाँ तो होगी 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग और यहाँ होगी 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। फाइन, तो ये देखिए ये हो गई 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एट द रेट ऑफ ₹1 और एट द रेट ऑफ ₹2, ठीक है। अब जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये आपका लॉस आ चुका है जिसको कि आपको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज करना है। फाइन, नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल इफेक्टिव्स अकाउंट। फाइन, इसकी एंट्री हुई थी हमारी प्रोसेस जेड अकाउंट में, तो इधर हो जाएगी बाय प्रोसेस जेड अकाउंट डैट इज 100 और 2100। फिर हमने इफेक्टिव्स की एंट्री अभी ऊपर की थी नॉर्मल वेस्टेज से। फाइन, तो ये आ जाएगा टू नॉर्मल वेस्टेज 100 रुपीज़, ये होगा स्क्रैप वैल्यू से और जो बैलेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा, कॉस्टिंग P&L में। ये हो गया कॉस्टिंग P&L में हमारा बैलेंस ट्रांसफर। नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।